मौजूदा ब्रॉडगेज मार्गों का 33% का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है, जबकि 2007 से 2014 के दौरान 4,337 रूट किलोमीटर मौजूदा ब्रॉडगेज मार्गों का 7% का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। हाल के वर्षों में इंपोर्टेड पेट्रोलियम इस एनर्जी पर निर्भरता कम करने, ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनने, ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ट्रेन को इको फ्रेंडली, तेज और ऊर्जा कुशल मोड। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डिश न्यूज चैनल पर। अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपके सेटअप बॉक्स में ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट हो जाए तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। इसके लिए कुछ डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि आप सभी सामने देख सकते हैं ये है साउंड बार। अगर आप ब्लूटूथ का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, ब्लूटूथ हेडफोन का, तो कर सकते हैं, अपनी मनचाही मूवीज़ सॉन्ग इस प्रकार सुन सकते हैं। अगर आप कोई साउंड बार या ब्लूटूथ डिवाइस को चलाना चाहते हैं, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं इस प्रकार के, तो भी आप चला सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए आप सभी कंप्लीट वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर इन डिवाइस की वायर से कनेक्टिविटी करनी है तो आपको ऑक्स केबल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर ऑक्स केबल का एक पोर्ट दिया होता है, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। आपके जो सेटअप बॉक्स है या आपके जो LED है, अगर आप इन दोनों में से कोई भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको हेडफोन देखना है। अगर हेडफोन नहीं है तो आप ऑडियो वीडियो केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जो सेटअप बॉक्स है उसके बैक साइड में देखेंगे तो आपको ऑडियो वीडियो केबल के ये पोर्ट नज़र आ जाएंगे, तो यहाँ पर ऑडियो के जो पोर्ट हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस प्रकार की एक वायर लेनी पड़ेगी जिसमें आप ऑडियो को कनेक्ट करके इस प्रकार 3.5 mm जैक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पर कनेक्ट करके और आप अपने वायर से किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपके साउंड बार है या ब्लूटूथ स्पीकर है तो इनको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको बिना वायर के कनेक्ट करना चाहते हैं तो किस प्रकार करेंगे, चाहे आपका कोई भी सेटअप बॉक्स हो उसको कनेक्ट किया जा सकता है। इसके लिए आपके पास एक ट्रांसमीटर होना चाहिए, ब्लूटूथ ट्रांसमीटर, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा 2-in-1 ट्रांसमीटर है, जहाँ पर हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं सिग्नल को। तो आपको इस डिवाइस का यूज़ करना पड़ेगा तभी आप किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। कोई भी ब्लूटूथ ट्रांसमीटर यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी कनेक्टिविटी हो सके। इसके लिए ये कनेक्ट करने के बाद आप अपने ब्लूटूथ को ऑन करेंगे तो इससे कनेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा और फिर आप अपने ब्लूटूथ से कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो सुन सकते हैं या आप इसका जो ब्लूटूथ हेडफोन है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी काम इससे होंगे, ट्रांसमीटर के बिना कुछ भी नहीं होगा। बिना इसके आप किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास इस प्रकार का बॉक्स है तो आपके पास इस प्रकार की केबल भी होनी चाहिए, तभी जाकर आप इस डिवाइस को कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर ऑडियो की केबल इस प्रकार यहाँ कनेक्ट कर लेनी है इस प्रकार, और दूसरी तरफ से आपको इसमें यहाँ पर ट्रांसमीटर में ऐड करना है। तो आपका ये ब्लूटूथ इससे कनेक्ट हो चुका है। अब केवल आपको अपने डिवाइस को कनेक्ट करना है। जैसे ही आप अपने डिवाइस को ऑन करेंगे और इसे ऑन करेंगे तो दोनों आपस में पेयर हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली पेयर हो जाते हैं। इनकेस अगर आपके सेटअप बॉक्स में या आपके डिवाइस में इस प्रकार ऑडियो का आउटपुट नहीं है और इस प्रकार 3.5 mm का AV केबल का पोर्ट है तो आप ऑक्स केबल लीजिए, ऑक्स केबल को इसमें कनेक्ट कर दीजिए। लेकिन ऑक्स केबल को कंप्लीट आपको अंदर तक नहीं डालना है, केवल आपके जो अगले दो पोर्ट हैं इनको ही कनेक्ट होना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा इतना प्रेशर रखिए और आप अपने ट्रांसमीटर से कनेक्ट कर लीजिए। ट्रांसमीटर से कनेक्ट करेंगे तो आपका ब्लूटूथ डिवाइस इस प्रकार कनेक्ट हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक धन्यवाद।